नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेक के अंदर कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स। तो ये क्या कर रहा है, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होल्ड करता है, किस तरीके से प्रीफिक्स जो ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से नोटेशन के रूप में लेके जाते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशन ऑफ प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन वी शुड नो अबाउट द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सेपरेटली। तीन तरीके का होता है, पहला तो इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स के बारे में, नोटेशन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स नोटेशन होता क्या है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स्ड टू ऑपरेंड्स, द ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल प्लस ए बी इज द इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन लाइक ए प्लस बी। प्रीफिक्स नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। जब हम आगे बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेक्स, स्टेक की हेल्प लेके कि किस तरीके से हम इवोल्यूट कर सकते हैं इसका, तो वो स्टेप्स में है। स्टेप वन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं किसी पॉइंटर को एस के रूप में, पॉइंटिंग टू द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। स्टेप टू के अंदर क्या करते हैं, वो किसी भी सिंबल को पॉइंट करते हैं एस को ऑपरेंड के साथ में जो पुश करता है किसी स्टेक के अंदर। स्टेप थ्री के अंदर क्या करते हैं हम, इफ द सिंबल पॉइंटेड बाय एस इज एन ऑपरेटर देन पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टेक, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दीज टू ऑपरेंड्स, स्टोर द रिजल्ट इनटू द स्टेक्स। एक होता है स्टेप फोर, स्टेप फोर के अंदर क्या होता है, डिक्रीमेंट द पॉइंटर एस बाय वन एंड मूव टू स्टेप टू एज लॉन्ग एज सिंबल लेफ्ट इन द एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट होता है स्टेप फाइव, द फर्स्ट रिजल्ट इज स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टिक एंड रिटर्न इट। देन स्टेप सिक्स के अंदर क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में प्लस माइनस इंटू टू टू इंटीजर वैल्यू एंड डिवाइड बाई बैक्सलेस 16, 8, 5, ये क्या है, फर्स्ट विल बी रिवाइज एक्सप्रेशन गिवन अबव। इसको रिवाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5, 5, 8, 16 एंड बैक्सलेस एंड 2, 2 देन इन टू माइनस और प्लस, इसको वापस क्या कर देंगे, पहले ये इधर से इधर जा रहा था, अब इधर से इधर हो गया, इस चीज़ को कन्वर्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस की, नोटेशन ऑपरेशंस की, तो हम किस तरीके से बात करते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन की जो मैं बात करता हूँ, तो पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर क्या होता है, द नोटेशन स्टाइल इज नोन इज रिवर्स्ड पॉलिश नोटेशन। इन दिस नोटेशन स्टाइल द ऑपरेटर इज पोस्टफिक्स टू द ऑपरेंट्स, द ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस दिस इज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी। लाइक अनदर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेक, इसके अंदर क्या होता है, स्टेप वन क्रिएट एन एम्प्टी स्टेक यूज फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटर्स। स्टेप टू के अंदर क्या होता है, स्कैन ईच एलिमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन वन बाई वन एंड डू द फॉलोइंग। पहला क्या होता है, इफ द एलिमेंट इज ऑपरेंट देन पुश इट इन टू द स्टेक। दूसरा क्या होता है, इफ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर देन पॉप टू ऑपरेंट्स फ्रॉम द स्टेक, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिज ऑपरेंट्स, पुश द फाइनल रिजल्ट इन टू द स्टेक। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप थ्री, व्हेन द एक्सप्रेशन इज स्कैंड कंप्लीटली द वैल्यू अवेलेबल इन द स्टेक वुड बी द फाइनल आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्या होता है, द अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, लाइक 5, 6, 2 प्लस इंटू 12, 4 बैकस्लैश एन माइनस।
ये क्या है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल हम देखेंगे एक्सप्रेशंस के इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। लाइक ये क्या है इनफिक्स के अंदर ए प्लस बी है तो प्रीफिक्स के अंदर क्या हो जाएगा ये प्लस है ये क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस बी। पोस्टफिक्स के अंदर क्या होगा ये इसके बाद में चला जाएगा तो ए बी प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को एक इनफिक्स के अंदर एग्जांपल दिया ए प्लस बी कोष्टक इनटू सी देन प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा इनटू पहले आएगा सबसे पहले देन प्लस आएगा और ए प्लस बी ए बी सी आ जाएगा कंटिन्यूस फॉर्म में। और इसी को अगर पोस्टफिक्स में लेके जाऊंगा तो क्या आएगा ए बी पहले आएगा उसके बाद में प्लस आएगा फिर सी आएगा और लास्ट में ई इनटू आ जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं इनफिक्स के अंदर ए इंटू बी प्लस सी होता है प्रीफिक्स के अंदर इंटू पहले आ जाता है ए प्लस बी सी हो जाएगा पोस्टफिक्स के अंदर ए बी सी प्लस इंटू आ जाएगा ये ए डिवाइड बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी। तो इसका जब प्रीफिक्स करेंगे हम तो क्या करेंगे प्लस डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई सी डी इसके अंदर करेंगे तब ए बी डिवाइड बाई सी डी डिवाइड बाई प्लस इसी तरीके से ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होगा। प्रीफिक्स के अंदर जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं इंटू को लेते हैं उसके बाद में प्लस को लेते हैं फिर ए बी फिर प्लस सी डी यही चीज़ आ गई आपकी। और पोस्टफिक्स के अंदर करते हैं तब क्या लेते हैं ए बी इसको ले लेते हैं प्लस सी डी को ले लेते हैं और प्लस और इनटू ये क्या है ये लास्ट में आ जाएगा इसका ऑपरेशंस। इसी तरीके से हम आगे भी हम चलेंगे तो इसके अंदर क्या होता है पासिंग एक्सप्रेशन। पासिंग एक्सप्रेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज़ नॉट ए वेरी एफिशिएंट वे टू डिजाइन एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम टू पास इनफिक्स नोटेशन इंसर्टेड दिज इनफिक्स नोटेशन आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आइदर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन देन कंप्यूटेड। एक होता है द पार्स एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑपरेटर एंड प्रिडिशंस एंड एसोसिएटिविटी आल्सो एंड प्रिसिडेंस क्या होता है वेन एन ऑपरेटर ऑपरेंट इज इन द बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेटर्स वेन विच ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंट फर्स्ट द डिसाइडेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑपरेटर और अदर। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इंटू सी को किस तरीके से लिख सकते हैं पोस्टफिक्स के ए प्लस बी बी इंटू सी एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज द प्रेडिशंस और एडिशन बी इंटू सी विल बी ओनेटेड फर्स्ट ए टेबल बी ऑपरेंट प्रेडिशंस इज प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं बहुत ही काम में आने वाली हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैक के अंदर। तो अब मैं आप लोगों के लिए स्टैक के अंदर और आगे बहुत सारे टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक आप लोग मेरे इस YouTube चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। और दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी DSTL भी आपके साथ लेक्चर से लेके आया हूं तो आप उसको भी YouTube चैनल के थ्रू देख लीजिएगा। तब तक मेरे साथ आप बने रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सुझाव दीजिए। नमस्कार।